यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। शारदा बाल निकेतन उच्च प्राथमिक भाग, कक्षा तृतीय, विषय हिंदी रचना। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 8 का वचन। आइए इस सोपान में हम पढ़ते हैं वचन। गोपाल गाय को माता कहता है, राम और श्याम भी गाय को माता कहते हैं। गाय दूध देती है, बकरियां भी दूध देती है। अरविंद दूध पीता है, उसके दोनों भाई दूध पीते हैं। मोहन प्रातः जल्दी उठता है, उसकी दोनों बहनें भी उसके साथ ही उठती है। यहाँ पर हम गहरे जो अक्षर देख रहे हैं उनमें हम अंतर सीख सकते हैं। जैसे इस सोपान में जो गहरे अक्षर दिए हुए हैं उनको देखें कि गोपाल एक वचन है, कहता है, क्रिया जो है वो एक वचन की है। राम और श्याम भी बहुवचन है, इसकी क्रिया बहुवचन में आई हुई है, कहते हैं। गाय दूध देती है, बकरियां दूध देती है, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में भी कोई अंतर दिखाई नहीं देता, आवश्यक नहीं कि अंतर दिखाई दे। अरविंद दूध पीता है, उनके दोनों भाई दूध पीते हैं। अरविंद एक वचन है, इसलिए इसमें क्रिया एक वचन की आई है, पीता है। दोनों भाई बहुवचन में आते हैं, इसलिए इसमें बहुवचन की क्रिया है, पीते हैं। इसी प्रकार अपने दोनों बहनें भी उसके साथ उठती है, उठना बहुवचन में है। मोहन उठता है, यह एक वचन में है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक वचन और बहुवचन में हम संख्या के आधार पर अंतर कर सकते हैं। पहले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि जो गहरे छपे शब्द हैं वह हमें इसमें लिखने हैं। जैसे गोपाल गाय, राम श्याम, बकरियां, मोहन दोनों भाई, दोनों बहने, उठता है बैठता है, पीते हैं पीता है, देती है। यह जो है अपने संज्ञा और क्रिया जो आई हुई है गहरे काले छपे हुए थे वह हमने यहाँ पर लिखे। दूसरे प्रश्न में यह कह रहा है कि केवल संज्ञा पदों को ही इसमें लिखना है, जैसे गोपाल गाय, राम श्याम, मोहन बकरियाँ इत्यादि। अगला प्रश्न जो है वह है कि एक संख्या का ज्ञान कराते हैं वह शब्द, तो वह शब्द जो है वह अपने अभी दूसरे प्रश्न में लिखे थे कि केवल संज्ञा शब्द को छांटना है, तो यह संज्ञा शब्द जो है वह हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो इसमें आता है गोपाल राम मोहन श्याम और गाय। तो यह जो पद है वह एक वचन के ही है, तो हम एक वचन में यह लिख सकते हैं। गृह कार्य, गृह कार्यार्थ में हम गृह कार्य क्रमांक 14 लगा करके 21/9/20 दिनांक लगा करके करेंगे। और यह जो इसमें आगे प्रश्न हम आपको दे रहे हैं वो हम हल करके दे रहे हैं, तो इसमें आपको स्वयं को करना है। वह दो प्रश्न देंगे, इसके आधार पर हम पहले अपने परिभाषा और उसके भेद को पहचानते हैं। जैसे अभ्यास 22 के आधार पर हम कह सकते हैं कि
कि कुछ शब्द एक वस्तु का ज्ञान कराते हैं तथा कुछ एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। गहरे छपे भाग के अनुरूप वचन की परिभाषा होगी संज्ञा आदि पदों का वह स्वरूप जिनसे उनकी संज्ञा का ज्ञान होता है वह वचन कहलाता है। और वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला है एकवचन, दूसरा बहु। पहले प्रश्न में हम वचन की परिभाषा लिखेंगे, याद करके लिखना है। संज्ञा आदि पदों का वह स्वरूप जिनसे उनकी संख्या का ज्ञान होता है वह वचन कहलाता है। यह था वचन। फिर है अपने वचन को हम किस प्रकार से बदलेंगे। हमने अब तक सीख लिया है कि वचन को किस प्रकार से बदलना है। लड़का लड़की, बालिका बालिकी, छात्राएं छात्रा, ये यह, तारा तारे, पगड़ी पगड़ियां, घोड़ा घोड़े, मुर्गे मुर्गा, वह वे, मैं हम, भाला भाले, तलवारें तलवार। यानी जिसमें एक वचन लिखा हुआ है उसमें एक वचन लिखना है, और जिसमें दो बहुवचन है उसमें हमें एक वचन करना है, यानी विपरीत लिखना है। अगले प्रश्न में हम वाक्य को वचन बदलते हुए पुनः लिखेंगे। जैसे बालक पुस्तकें पढ़ते हैं, बालक पुस्तक पढ़ता है। छात्राएं विद्यालय जाती है, छात्रा विद्यालय जाती है। खिलाड़ी खेलते हैं, खिलाड़ी खेलता है। वह फल खाता है, वे फल खाते हैं। विद्यार्थी कक्षा में जाता है, विद्यार्थी कक्षा में जाते हैं। इस प्रकार से वचन को बदलना है। अगले प्रश्न में अपने जो संज्ञा पद रिक्त स्थान के लिए दिए हुए हैं उनको भरना है। अपने यथा स्थान पर जो उचित शब्द आता है वह भर करके वाक्य पूर्ण करना है। जैसे छात्राएं विद्यालय जाती है, कविता लिखता है। कविता कौन लिखता है? कवि। कवि कविता लिखता है। पुस्तकें लिखते हैं, पुस्तकें कौन लिखता है? लेखक। तो यहाँ पर लेखक आ जाएगा। अगले वाक्य में है पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम। राम पुस्तक पढ़ता है। छात्राएं गीत गाती है या बालिकाएं गीत गाती है। इस प्रकार से हम इन शब्दों को लिखते हुए यह वाक्य पूर्ण करेंगे। और यह जो दो प्रश्न हैं अपने, वो दोनों प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।